आपका मैं आज मैं पढ़ रही हूँ पीलीभीत के शाम में फराज का खत। फराज का खत किसी अपने के नाम। आज तुम्हें पहला खत लिख रहा हूं। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। वहां से जब तुमने पहला मैसेज किया था और हमारी बात शुरू हुई, या वहां से जब तुमने अपना शहर घुमाने का वादा किया था, या वहां से शुरू करूं जब तुमने पहली बार मेरा नाम लिया था, या वहां से जब तुम मेरे बहुत जिद करने पर चॉकलेट लेने के लिए तैयार हुई थी। वैसे तो मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, लेकिन बचपन में ही तुम्हारी फैमिली दूसरे शहर जाकर बस गई। फिर जब पहली बार तुमने मैसेज किया, बस वहीं से हमारी बात शुरू हुई। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि तुम अब कैसी दिखती हो। एक बार जब तुमने व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर लगाई, उसमें तीन लड़कियां थीं। तब मैंने पूछा था कि इन तीन में से तुम कौन सी हो। मैं तो पहचान ही नहीं पाया था कि आखिर तुम बड़ी होकर कैसी लगती हो। फिर तुमने बताया कि जो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की है वो मैं हूं। और हाँ, तुम भी तो मुझे नहीं पहचान पाई थी। अपने घर पर मेरी फोटो दिखाकर पूछा था कि क्या यही फराज है। फिर तुमने वही ब्लैक कलर वाली ड्रेस की अपनी सिंगल फोटो सेंड की थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, और साथ में ये भी बताया था कि फोटो इत्तेफाक से अच्छी आई है, मैं सच में ऐसी नहीं दिखती हूँ। तब मुझे और ज्यादा दिलचस्पी पैदा हुई थी ये जानने में कि आखिर तुम सच में कैसी दिखती हो। और फिर वो तुम्हारे बिना मेकअप वाली फोटो भेजना, बस वहीं से शायद रिश्ता आगे बढ़ने लगा। तुम्हारा सच बोलना और मेरा तुम्हें वैसे कबूल करना जैसी तुम हकीकत में थी, एक दूसरे को पहचानने के बाद शुरू हुआ था एक दूसरे को जानने का सिलसिला। पता ही नहीं चला कब हम बात करते करते बातें करने लगे। वो मेरा ढेर सारे सवाल पूछना और तुम्हारा कुछ के जवाब दे देना, और कुछ के जवाब में कहना क्यों बताऊं, हमारे बीच में कोई खास बात नहीं होती थी, लेकिन मुझे वही बातें खास लगती थी, शायद इसलिए कि वो तुमसे होती थी। एक अनजान से बात करने का इतना दिल क्यों करता था, और वो अनजाना भी इतनी बातें करता था, लगता ही नहीं था कि वो कोई अनजाना है। वो दिन भी बहुत अच्छी तरह याद है जब तुमने पहली दफा कॉल की थी। उस वक्त मैं इंडिया में नहीं था, यूएई से तुम्हें पहली बार कॉल किया था। यहां और वहां के टाइम में कुछ घंटे का फर्क होता है। तुमने जिस वक्त पर कहा था, मैं उस वक्त पर वहां के टाइम के हिसाब से इंतजार कर रहा था, और फिर पहली बार हमारी बात हुई। और तुम्हारी तरफ से आई हुई पहली कॉल भी याद है, जब मैंने एक असाइनमेंट में तुम्हारी मदद की थी, तब तुमने थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया था। ऐसा भी नहीं कि तुम सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम सबसे अच्छे दोस्तों में नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त तुम्हारा इंतजार रहता था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा इंतजार नहीं रहता था। ऐसा भी नहीं कि तुम हमसफर लगती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम गैर लगती थी। और इन सब बातों के साथ साथ याद है पहली नाराजगी। मैंने तुम्हें इतनी बार बोला था, जब तुम्हारे एग्जाम ओवर हो जाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तब तुम अपना शहर दिखाना। लेकिन तुम तो डेट बताना ही भूल गई थी, और मैं बहुत नाराज हुआ था। फिर तुमने खुद ही अगली ट्रेन और रिजर्वेशन की डेट्स देखकर बताई थी, और मैं भी आने का प्लान कर रहा था, लेकिन पूरा देश लॉकडाउन हो गया, और इसी लॉकडाउन में मैंने एक खत लिखा। दरअसल ये कोई खत नहीं है, ये मेरी प्रेम कहानी है, लेकिन ये अधूरी ही रहेगी जब तक तुम एक सवाल का जवाब नहीं दोगी। तुम तो मुझे पसंद हो, क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूं? जवाब के इंतजार में तुम्हारा फराज। शामिक फराज। तो फराज ने ये खत जिनके नाम लिखा है उनका नाम हम तो नहीं जानते, लेकिन वो समझ जाएंगी। इतनी सारी बातें इस खत में लिखी गई हैं कि वो समझ जाएंगी, और अब उन्हें इस सवाल का जवाब देना है कि फराज तो उन्हें पसंद करते हैं, क्या उन्हें भी फराज पसंद हैं? और अब मुझे लगता है
इस खत को यहाँ पढ़ने के बाद हम सबको उनके इस जवाब का इंतजार रहेगा।